Hey guys, what's up? Welcome to Superinner Vlogs, and in this vlog, we are going to talk about this. These are all the fairing parts which I have unboxed. Like I told you in the last vlog, I am going to unbox all my fairing. So this is it. I thought that we will unbox one by one. You want to put all of them together and show them together. So everything is here. I will tell you actually what is this. This is a fairing. This is a headlight fairing with the windshield. After this, this is the side fairing. After this, this is under फेयरिंग के पार्ट्स और साइड के फेयरिंग के पार्ट्स एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो कि मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा वो लोग भेज पाएंगे बट दिस इज वेरी गुड इन क्वालिटी वेरी गुड दिस इज द सीट कवर और उसके साथ उन्होंने ये छोटा सा रबड़ का पार्ट भी भेजा है सो परफेक्ट और दिस इज आवर टैंक बहुत अच्छे से उन लोगों ने पेंट किया है द क्वालिटी इज वेरी नाइस उसके बाद दिस इज द आगे का मड गार्ड वो पीछे अंडरटेल और वो सारी चीजें बाकी छोटी मोटी सो दिस इज ऑल माई फेयरिंग एंड और हाँ नट्स भी दिए हैं लोगों ने मतलब नट्स भी मैंने दिए नट्स मामा का दृष्टिकोण ये मैं तो हैरान देख के हाँ एक बात मैं आपसे पर कहना चाहता हूँ जब अपनी ये सारी बाइक में लगा दूंगा ना पार्ट्स आप जरूर चलाना भैया मुझे माफ क्यों इसका क्यों कहते हैं मैं आज सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कुछ जरूर बताना चाहेंगे जिसे मैंने पूरा सेटअप बता के रखा था क्यों नहीं चलाना चाहेंगे जनता जानना मैं आज सारे सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ आज से ठीक 2 साल पहले अच्छा एक R1 में मैं चला था R1 में एक क्या मेरे R1 में हाँ आपके ही R1 में और उसने जो दर्द दी थी दर्द क्या दी थी मतलब मुझे तो दर्द मिला ना सर सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ मैं छोटे मतलब छोटे शहर से आता हूँ और ठीक 2 साल पहले मैं मुंबई में आया हूँ और अब तक मैं स्प्लेंडर TVS और वो बुलेट अच्छी बाइकों में ब्लैक बुलेट पैशन प्रो तो ये सब बाइकें मैंने देखी थी और कभी कोई रईस के लोग हैं वो तो R1 5 यहाँ आते देखा R1 एक तो इसके पीछे बैठो क्या याद है 5 मिनट लगा था बंदर की तरह कुछ फाड़ के मैं बैठ गया उसके बाद उसमें पकड़ने का प्रॉब्लम तो फिर तराने वाले ने बताया कि ऐसा पकड़ा जाता है उसके बाद क्या हुआ आप बताना सब्सक्राइबर भाइयों कि 200 की स्पीड में बाइक को मोड़ दी गई है अरे आप बोलना पता नहीं हुआ था आपको दिखाना था ना कि और आप सुनिए आप मैं ऊपर बाइक बोलते हैं मैं रोने लगा था और ये जो बंदा है ये रुमाल मुझे चिढ़ाने के लिए दे रहे हैं मामा आंसू पोंछ लो अब बताओ मैं आज भी उस चीज की दर्द होती है ओके गाइस सो दैट वाज अबाउट द फेयरिंग एंड क्वालिटी के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं क्वालिटी इज आल्सो वेरी टॉप नॉच मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा क्वालिटी होगा भाई थोड़ा बात ऑड कर रहा हूं क्या हो गया वीडियो थोड़ा बाद में शूट कर देखो तो सही वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे क्या आग लगा है कहाँ आग लगा है कहाँ देखो तो सही कहाँ आग लगा है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आग लगा है ऐसा नहीं कि कहाँ आग लगा है भाई but what is happening there आग लग गई है आग लग गया भाई आग लग गया बहुत खतरनाक लगा है भाई कहाँ लग गया ये आग अरे बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हो गया है ये क्या हो रहा है भाई आग लग गया भाई अरे बाप रे कैसा लग रहा है भाई यार ओहो वहाँ लोग रूम में बैठे हैं यार ऊपर लाइट वेट जला हुआ है ऊपर वाले रूम का एंटीना देखा उधर डिश में क्या हो रहा है यार न्यूज़ में देखिए क्या चल रहा है ये अभी तक नहीं आया वर्ली फायर लिखिए वर्ली फायर क्या हो रहा है यार ये मतलब ऐसी आग कैसे लग रही है ऐसा नहीं कि मामा आग बढ़ते जा रही है यार पूरा डिश विश देखो जल गया अरे बाप व्हाट इज हैपनिंग आवाज आ रहा है शायद मुझे शायद
वायरस लग रहा था कुछ। सो गाइज एक्चुअली मैंने उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जितना मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके बाद एक्चुअली हम लोग यूट्यूब पे लाइव हो गए थे, जो कि आपने 29 दिसंबर को मैंने अपलोड किया था लाइव सेशन, जो जिसे मैंने बताया था कि ये हो रहा है, तो ये उसी दिन हम लोग आज ही मतलब शूट कर रहे हैं, मतलब आज 29 दिसंबर है, बट टुडे इज 29 दिसंबर, और अभी तो ठीक हो गई आग, अभी पूरी बुझ गई है, हम लोगों ने पूरा अपने लाइव वीडियो में दिखाया कि क्या क्या हुआ। अभी तक कोई मीडिया वाले कोई न्यूज भी नहीं दिए थे, अभी तक कोई मीडिया में कोई न्यूज नहीं आई है, वी होप कि हाँ हम सब होप करते हैं किसी को कुछ हुआ ना हो, एवरीबॉडी इज सेफ राइट। अगर आप में से भी कोई वहाँ पे था तो शायद हमारे लाइफ में आपको समझ में आ गया हो कि वहाँ जाने का नहीं, थोड़ा दूर से ही निकल लेने का। सो या दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, और इस वीडियो में आप तो कुछ ऐसा बताने का है नहीं, थोड़ा सा सैड हो गया माहौल, तो थोड़ा सा इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। पर सारी बातें हमने बताई दी लगभग, आपको हमने फेयरिंग दिखा दिया, सारी चीज दिखा दी जो भी है, तो इस फेयरिंग को आप बाइक पे लगाएंगे और उसके बाद फिर ब्लॉग करेंगे उस पे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल करते हैं, एंड आप रेगुलर हो गए हमारे ब्लॉग्स, जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे रेगुलर हम लोग यूट्यूब पे आ गए। सो या आप लोग का सपोर्ट भी हम लोग को मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दैट इज इट, इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, बी ए साइबर्स लिव योर ड्रीम वर्क हार्ड टू हेल्प विद द हेटर्स एंड बी ए फ्रीकिंग रॉक स्टार। सो दैट इज इट, थैंक यू।